राम राम किसान भाइयों, के हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी किसान भाइयों। आज हम प्राकृतिक खेती के बारे में बात करने वाले हैं, हालांकि वो हम हमेशा करते रहते हैं। और आज मैं आपको इस सीज़न का अंजीर जो है पक चुका है और अंजीर के बारे में बताने वाला हूं कि जो केमिकल वाला अंजीर होता है जिसमें सिंथेटिक खाद वगैरह डाली जाती है, यूरिया डीएपी या जो भी होता है। हम किसी कंपनी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, ना यूरिया डीएपी का कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को प्राकृतिक चीज़ें देना चाहते हैं और इसी कंसेप्ट के साथ हम अपनी बात रखते हैं। दोस्तों, आज जो महत्वपूर्ण विषय है वो है कि प्राकृतिक खेती से बेहतर कैसे है दूसरे केमिकल और उनसे बेहतर कैसे है। तो जो केमिकल होता है वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है और प्राकृतिक जो बदलाव है हमारा, वो न केवल वातावरण में बदलाव करता है, हमारी भूमि को उपजाऊ बनाता है, बल्कि हमारी सेहत के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। और सेहत का ये है कि बचत ही बचत है, उसमें हमारे घर में भी बचत रहेगी, क्योंकि जब हमारी सेहत ठीक नहीं रहेगी तो वो ज़्यादा पैसे हमें डॉक्टर को भी नहीं देने पड़ेंगे, और जब डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। और जो खुद का जब शरीर स्वस्थ होता है ना दोस्तों, तो ज्ञान विज्ञान सब जो है वो हमें अच्छे लगते हैं। और वह इसलिए कहा गया है कि जहाँ निरोगी काया होती है वहीं सब कुछ होता है। आप मेरे पीछे जो पौधों की हरियाली देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा नेचुरल है, पूरा का पूरा प्राकृतिक है। और इसीलिए मैं आपको आज फिर लेके आया हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा हम लोग भाषणबाजी नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि कई भाई इससे नाराज़ भी हो जाते हैं। भाई, अंजीर के बारे में मैं आपको बताने वाला था, तो मैं आज अंजीर पर ही चर्चा करूँगा। ये देखिए, ये हमारा अंजीर है पूरा का पूरा प्राकृतिक। ये देखिए ज़बरदस्त, इसके पत्ते में आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये पत्तों के नीचे का हिस्सा है, एकदम उभरी हुई पत्तियाँ और बड़ी बड़ी, मेरी हथेली से भी आप देख सकते हैं, हथेली जो है ना वो भी इसके पीछे छिप जाएगी। ये देखिए, पूरी हथेली जो है वो छिप जाएगी इसके नीचे, इतना बड़ा पत्ता है इसका। और जो कुछ नया क्या है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये अफ़गानी वैरायटी है, अफ़गानिस्तान में हुआ करती थी, लेकिन हमारे यहाँ अगर इस प्राकृतिक खेती को हम लोग करते हैं तो केमिकल से ज़्यादा बेहतर उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं। और उसका जो साइज़ आप देखेंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों। हमें अंदर घुसना पड़ेगा इसके। ये देखिए, ये अंजीर जो है लग चुके हैं, इनका साइज़ अभी तो इनका साइज छोटा ज़रूर है, लेकिन आप जो फ्रूट की क्वालिटी है दोस्तों, वो यहाँ से पता लगती है कि कितना मजबूत और कितना इसका जो खुराक है वो इसको कितनी मिली है। और ये देखिए, ये है असली चीज़। ये इतना बड़ा अंजीर होना अपने आप में, और वही नेचुरल खेती के अंदर बहुत मायने रखता है दोस्तों। इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसको तोड़ना यहाँ से होता है पत्ते के बिल्कुल पास से, ताकि इसका नखरू से। ये देखिए, इसे कहते हैं अंजीर। ये आपकी मेडिसिन की पूर्ति करता है, आपको पोषक तत्वों से भर देता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनरल सब आपको यहीं से मिल जाएंगे। ये देखिए, पूरा एकदम पक करके तैयार है, और करीबन ये आप समझिए 100 ग्राम इसमें वेट होगा, और 100 ना ही तो थोड़ा कम होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 100 ग्राम का फ्रूट अगर हो जाता है। और ये देखिए, ये भी मैं तोड़ लेता हूँ। ये देखिए, और इतना ही नहीं, ये देखिए इससे भी बड़ा साइज मैं आपको दिखाता हूँ। बस इसकी थोड़ा सा ये रहती है कि इसको जानवर खा जाते हैं दोस्तों। ये सब हार्वेस्ट हो रहा है, और ये हमारा लिफाफा है, इसमें और भी पहले अंजीर पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये भी बड़ा मज़ेदार साइज है, तो इसी को हम इसमें ऐड कर देते हैं।
ये पूरा का पूरा देखिए अंजीर कितने सारे इसमें लगे हुए हैं, और अभी हम इनको जो है हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये हमारी हार्वेस्टिंग, मैं हर साल जो है आपको हार्वेस्टिंग का वीडियो बना करके दिखाता हूँ, लेकिन इस बार कुछ नया है, और वो इसलिए है कि अब की बार हमने प्राकृतिक, पहले हम प्राकृतिक खेती करते थे लेकिन वो इतना मज़ेदार नहीं था, हालांकि परंपरागत हम, लेकिन अभी हमने साइंटिफिक तरीके से कि उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम केमिकल युक्त खेती से अलग कर सकते हैं, उस पर हम लोगों ने रिसर्च किया, प्रशिक्षण लिया कुरुक्षेत्र गुरुकुल से, और उसका जो परिणाम था वो अद्भुत कमाल का। ये देखिए ये तैयार हो रहे हैं, कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे। ये अद्भुत है दोस्तों कि हमारे यहाँ इस भूमि में इसका होना अपने आप में एक अचंभे वाली चीज़ है। हालांकि अभी बहुत सारे बाग लगने शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो बिना केमिकल के जो है खेती कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो करते ही हैं, केमिकल उसमें डालते ही हैं। और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि हमारे केमिकल, बिना केमिकल के फ्रूट का साइज है वो भी आप देख सकते हैं। ये जैसे अनार है, ये आप देख सकते हैं इसकी साइनिंग कितनी अच्छी है, और फ्रूट का साइज़ है वो भी ज़बरदस्त है। देखिए पूरा मेरा एक हथेली के अंदर आ रहा है, इतना बड़ा इसका मोटा साइज है, इससे भी बड़े बड़े जो है अनार लगे हुए हैं। ये देखिए पूरा का पूरा अनारों से लदा पड़ा है। ये देखिए कितना बड़ा साइज है। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब हो कैसे रहा है। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग पानी इसमें नहीं देते हैं। ये देखिए आप नीचे कचरे की मल्चिंग की हुई है पूरा का पूरा, ये ढलान वाला खेत है, यहाँ पर पानी लगना संभव ही नहीं है। हालांकि हमने ड्रिप बिछा रखी है, उसमें थोड़ा बहुत पानी आता है, लेकिन उसी से उसको 10 गुना तक ये बचा के रखता है पौधा, और ज़रूरत पड़ने पर ये वहाँ से लेता रहता है। इसका कारण ये है कि ये देखिए आप नीचे देख रहे हैं, ये लेमन ग्रोस की हमने पराली टाइप बिछा रखी है। लेमन ग्रोस जो होता है वो भी एक बहुत अच्छा औषधीय पौधा होता है, उसका हमने पराली की तरह जो है इसको आच्छादन किया हुआ है, और आच्छादन से पानी और नमी बनी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि दीमक आ जाती है कचरे से, बिल्कुल आ जाती है, लेकिन दीमक जो है उस कचरे को खा करके, अगर आप देखिए खुराक नहीं देंगे दीमक को, अगर आप खुराक नहीं देंगे तो वो सीधे सी बात है कि हरे पौधों पर अटैक करेगी, और हम अगर दीमक को खुराक देते रहेंगे तो वो हरे पौधों पर अटैक नहीं करेगी। और दीमक जो है वो किसी दवाई से दोस्तों ख़त्म नहीं होती है, ये सब कहने की बातें हैं। दीमक हमेशा नीचे गहराई के अंदर चली जाती है, और उसके बाद जो है उसका जो असर है वो धीरे धीरे हरे पौधों पर भी दिखने लगता है, वो दोबारा ऊपर आ जाएंगी और नुकसान पहुँचाएँगी। लेकिन हमने उनके साथ छेड़छाड़ की है, उसका जो भोजन था वो हमने छीन लिया उससे, तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि वो अपना प्रकोप तो दिखाएंगी, संख्या तो उनकी बढ़नी बढ़नी है। तो इसलिए जो है ये देखिए हमने ये मल्चिंग की हुई है तूड़ी से, ये जो भूसा होता है खेत में बच जाता है, उस मल्चिंग से क्या रहेगा कि इसमें के नीचे नमी बनी रहेगी, और नमी के कारण क्या होगा, इसे बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है, केवल नमी चाहिए। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ आच्छादन पद्धति का कमाल, ये हमारा ड्रिप है, और ये देखिए ये आप जहाँ पर भी हाथ मारेंगे ना जी, ये देखिए ये आपको छोटे छोटे जीव भागते हुए नज़र आएंगे। ये देखिए पूरा का पूरा जो मिट्टी है वो भुरभुरी है, और उसके नीचे जो है छोटे छोटे जीव हैं, ये देखिए बिल्कुल नमी है, कहीं पर भी पानी का सोखा इसमें नहीं दिखाई देगा आपको, और ये जो है आच्छादन हम लोग करते रहते हैं। और जो मैं बता रहा था कि लेमन ग्रोस और ये एक प्रकार से फंगिसाइड होते हैं, इनका अच्छे से अगर प्रयोग करते हैं आप अंजीर और इसमें, तो अपने आप वो गलते रहते हैं और भूमि में मिलते रहते हैं, इससे फंगस वगैरह भी नहीं आती है। आच्छादन पद्धति से पौधों में फ्रूटिंग अच्छी होती है, क्योंकि कंटिन्यू उन पौधों को नमी मिलती रहती है, जिसकी वजह से पौधा जो है अचानक बहुत गर्मी और अचानक बहुत सर्दी को सहन करने की जो क्षमता होती है वो उसके अंदर आ जाती है। ये देखिए
ये पूरा का पूरा जो है हमने कचरे से बेड को तैयार कर रखा है और बिल्कुल ज़मीन एकदम भुरभुरी, कुछ भी आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पूरा का पूरा जो पत्ते होते हैं वो उनको हम हटाते नहीं हैं, उनको वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। और ये देखिए ये इसके नीचे पत्ते ऊपर होने की वजह से ये देखिए जड़ें यहाँ तक आ गई हैं, यानी नमी जो पौधा है वो लेने के लिए दूर दूर तक चला जाता है। किसान भाइयों, इस खेती को करने के लिए आपको एक उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो आपको ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रशिक्षित नहीं होते हैं तो उसका आप उपयोग बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जंगलों में और सड़क के किनारे कभी आप कोई DAP यूरिया नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी वो फसल का जो उत्पादन है वो बेहतर होता है। ये पूरा का पूरा बाग जो है पूरा प्राकृतिक है, इसमें आपको कहीं पर भी कोई खाद, यूरिया, DAP कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने इसी तरह से नेचुरल फार्म बना रखा है। ये देखिए ये फूल हैं, जगह जगह हमने फूलों के पौधे लगाए हुए हैं ताकि मधुमक्खियां जो है वो आकर्षित होती रहें। ये पौंड है। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि इससे कचरे से जो है बहुत सारे कीट पैदा हो जाएंगे। सब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कचरे से कीट पैदा होंगे, लेकिन उनको बैलेंस करने के लिए मित्र कीट भी वहाँ पैदा हो जाएंगे, यानी वो कुदरत का सर्कल है और अपने आप चलेगा। आपको इसमें कोई दखल देने की आवश्यकता नहीं है, कुदरती वो सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएगी। जैसे जैसे इंसानों से लेकर के हर जीव को पैदा करने से लेकर के और उसे ज़िंदा रखने के लिए हवा, पानी, भोजन, वो सब प्रकृति कर रही है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जानबूझ के उसका क्रेडिट लेने पर तुले हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, कुदरत अपने आप उन चीज़ों को बैलेंस करती है, सब कुछ अपने आप देती रहती है, लेकिन हम जो है उसमें दखल ना दे वही बहुत अच्छा है। ये देखिए ये सारे के सारे पौधे जो हैं, ये जैसे हमारा करी पत्ता है, ये बहुत काम आता है। इसका जो है कई दिनों तक इसके साथ कॉम्बिनेशन और भी कई चीज़ों का होता है, उसको हम भिगो करके रख देते हैं घन जीवामृत, और जीवामृत में ये एक प्रकार से फंगीसाइड भी है और माइक्रो न्यूट्रेंट से भरपूर होता है, तो इसका छिड़काव भी आप अपने पौधों में कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर ये कम से कम 50-60 पौधे लगा रखे हैं, और इन फूलों का जो महत्व है दोस्तों वो बहुत बड़ा है। ये मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, उसके साथ साथ एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, सकारात्मक ऊर्जा, वो आपके फार्म पे जो है हमेशा बनी रहेगी। आप जब भी फार्म के अंदर आएंगे आपको ऐसा मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा महसूस होगा, खूबसूरत दृश्य दिखेगा। ये देखिए हमने तरह तरह के पेड़ पौधे जो हैं वो भी लगा रखे हैं। ये देखिए लिली फ्लावर, बिच्छू गुंटी, और फिर ऊपर अडेनियम, ये सारे के सारे पौधे, चमेली, चंपा, गुलाब, सब तरह के इलायची, जड़ी बूटियों के पौधे भी हमने लगा रखे हैं। ये हमारे सामने फालसा है, और इन सबको लगाने का मकसद ये होता है कि एक कुदरती माहौल जो है वो पैदा हो जाए यहाँ पर, यानी प्राकृतिक संतुलन जो है अपने आप चले। तो हमें यहाँ पर कोई भी इसमें खुराक देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सालों पहले हम थोड़ा बहुत गोबर की खाद डालते थे, अभी हमने कुछ सब कुछ बंद कर दिया है डालना। ये देखिए ये सेब का पौधा है और अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, यानी हर चीज़ जो है अपने आप होती चली जाए, वो सारा का सारा हमने पूरा प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया है ताकि हमें कुछ भी ना करना पड़े। लेमन ग्रास आपको दिखाते हैं, घास के बीच में है, लेकिन लेमन ग्रास ये देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, ग्रीन टी इसको कहते हैं। ये देखिए ये अरंडी है, जितना भी लटों का अटैक होता है वो इसके ऊपर हो जाता है, और हमारे मित्र कीट जो हैं उनको पनपने के लिए ये पौधा सफिशियंट है, बहुत अच्छा है। इसमें सारे तरह के बुरे कीट भी आएंगे और मित्र कीट भी पैदा होंगे, फिर वो हमारी फसलों की रक्षा करेंगे। तो भाई खुराक तो उनको चाहिए। ये शहतूत है, देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, इसकी हम कलमें तैयार करेंगे। और ये हमने इनके बगल में जो है जितना भी कचरा होता है खेत में, जो एक्स्ट्रा कचरा होता है कुछ तो हम वहीं बिछा देते हैं, लेकिन कुछ जो बच जाता है उसको हम यहाँ लेके आते हैं और इससे भी खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल गल चुका है, और अब इसका प्रयोग जो है खाद में हम करेंगे। ये देखो
एकदम मिट्टी, ये मिट्टी कोई इसमें डाली हुई नहीं है, ये अपने आप मिट्टी बन गया। ये देखिए इस खाद को आप, ये ब्लैक सोना है, इसको जैसे मर्जी आप प्रयोग कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट में ये कन्वर्ट हो गया है, और इसमें आप थोड़ा सा गोबर की खाद, थोड़ा सा केंचुओं वाली मिट्टी, मैं केंचुओं वाली खाद की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, वो भी मैं, हम लोग तो उसको बहुत साल पहले बंद कर चुके हैं, करीबन 4-5 साल पहले बंद कर चुके हैं, वो हम यूज़ नहीं करते हैं। हम कुदरती जो केंचुए, भूमिगत केंचुए होते हैं, उनकी बात करते हैं। वो आप दानेदार मिट्टी वहाँ मिल जाएगी, वो आप लाएँ और पौधे को लगाएँ, देखिएगा पूरी ज़िंदगी भर आपको उस पौधे को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लीफ कंपोस्ट है जो है वो डालते रहिए। ये देखिए जितनी भी टहनियाँ हैं, जितना घास है, वो आपको हमारे खेत में हर जगह, ये देखिए कचरा मिलेगा, ये केवल, ये देखिए, ये उखाड़ के दिखाता हूँ, ये पराली है, यानी हर जगह हमने पराली सब कुछ बिछा रखा है, जो हमारे पास मिलता है वो सब हम यहाँ पर, ये देखिए एक गल कर काली हो गई है, ये देखिए इतनी सारी चींटियाँ भी आ रही हैं इसके अंदर, क्योंकि वो भी तो अपना घर बनाती हैं, और चींटियों का ये फ़ायदा होता है कि इसमें किसी तरह की कोई बीमारी वो नहीं पनपने देती, उनका भोजन है वो। फ्रूट का साइनिंग तो मैंने आपको दिखाई दिया था पहले वाली वीडियो में, ये फ्रूट का साइन है, देखिए कितना एकदम चमकदार है, कोई तरह की, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ये देखिए एकदम बढ़िया ढंग से फ्रूट जो है वो लगा हुआ है, कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, उल्टा इसमें दूसरे किन्नुओं से ज़्यादा चमक है। और ये हमने हल्दी लगा रखी है, पूरा नेचुरली है, ये देखिए केंचुए, और ये हमारा हल्दी का पौधा यहाँ से शुरू हो गया है, यानी इस भूमि में भी आपको केंचुआ मिलेगा। ये घास है, बहुत बड़ा बड़ा घास है, ये देखिए ये सारा का सारा केंचुआ है, दिख रहा है, ये पूरा का पूरा केंचुआ है दोस्तों। ये भूमि का जो है उपजाऊपन होता है उसे बना के रखता है, भूमि का एक किस्म से सेवादार होता है, बदले में केवल मिट्टी लेता है और आपको सोने जैसी चीज़ बना करके दे देता है। तो इसी के साथ दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्राकृतिक खेती वाले केवल किसान जो हैं वो हमसे कभी भी किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं, और जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं वो प्रशिक्षण जरूर लें, वो भी कहाँ से, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा, आप वहाँ पर जा सकते हैं, और जब भी आपको प्रशिक्षण लेना हो, प्राकृतिक खेती करनी हो, तो आप सीधा जो है गुरुकुल कुरुक्षेत्र आप अपने एडीओ से संपर्क करें, वो आपको जो है वहाँ प्रशिक्षण के लिए भेज देंगे, जब भी बैच तैयार होगा, और आप एक बेहतर जो है प्रशिक्षण लेकर के एक बेहतर किसान बन सकते हैं प्राकृतिक तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।